नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अंगूठा गदाकार होता है। जिनका अंगूठा गदाकार होता है उनकी जो अन्य उंगलियां हैं वो तो सामान्य होती हैं, लेकिन ये जो अंगूठा है वो सामने से राउंड शेप में होता है, थोड़ा सा फुला सा रहता है। वैसे शरीर का एक नियम है कि कोई सा भी हमारे शरीर का कोई सा भी अंग यदि असामान्य जरा सा भी हो जाए तो व्यक्ति का स्वभाव में, प्रकृति में, व्यवहार में वो कहीं कहीं असामान्य हो जाता है। उसी तरह से ये जिनका अंगूठा गदाकार होता है वो थोड़े से असामान्य होते हैं। असामान्य इस दृष्टि से कि जब इनको गुस्सा आता है तो काफ़ी तेजी से गुस्सा आता है, और इतना तेजी से गुस्सा आता है कि लगता है कि अगर कहीं सामने वाले को मैं छुरा भोंक दूँ क्या, सामने वाले को गला दबा दूँ क्या, ऐसे इनको गुस्सा तेजी से आता है। मतलब बहुत जल्दी हिंसक प्रवृत्ति पर उतारू हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, जिनका अंगूठा गदाकार होता है ये लोग बहुत बहुत बौद्धिक स्तर के नहीं होते हैं, इनका जो शिक्षा का स्तर भी सामान्य होता है। हालांकि इनमें स्मरण शक्ति अच्छी रहती है, मेमोरी अच्छी रहती है, और अगर किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से मेमोरी में रख लेते हैं, जब ये पढ़ते हैं तो एक बार में ही इनको याद हो जाता है। पहले ऐसे छात्र अगर कहीं ये अपना एक मोटो बना लें, टारगेट बना लें कि मुझे बहुत अच्छा पढ़ना है, खूब बहुत अच्छे अच्छी पढ़ाई करना है, बहुत आगे तक जाना है पढ़ाई में, तो ऐसे लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को टारगेट बनाना पड़ेगा। जिनका अंगूठा गदाकार रहता है वह अगर टारगेट बनाकर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों का जो आर्थिक स्तर है वो मतलब धन के मामले में लिमिटेड इनकम वाले होते हैं। इनका जो आर्थिक स्तर है वो इस दृष्टि से साधारण रहता है, यदि ये व्यवसाय करते हैं तो भी सामान्य श्रेणी का रहता है, और अगर ये गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं तो भी तीसरे चौथे नंबर श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। अगर ये अपना व्यवसाय करना चाहें तो जैसे पुलिस विभाग है, इसमें ये अच्छे से जा सकते हैं। ऐसा कोई भी टेक्निकल काम है, मेहनत वाला काम है, ये बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर ये इनको गवर्नमेंट जॉब में जाना हुआ तो जैसे पुलिस विभाग है, ये इसमें ये ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, और ऐसे लोग पुलिस विभाग में पाए भी गए हैं। मेरे मित्रों, प्रेम के क्षेत्र में ये सौंदर्य के प्रति इनका रुझान ज़्यादा होता है। ऐसी यदि ऐसी इनकी पत्नियां अगर कहीं हमेशा सज संवर के रहें तो ये अपने पति को ज़्यादा अच्छे ढंग से आकर्षित कर सकती हैं। ऐसे लोग चूँकि आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सैल होते हैं, तो जिनकी पत्नियाँ हाइटेड होती हैं वो उनके ये अंकुश में रहते हैं, उनके प्रभाव में रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि जे अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए, वैवाहिक जीवन में एक समरसता बनाए रखने के लिए, एडजस्टमेंट अच्छा बनाए रखने के लिए, जो हाइटेड हो ऐसी लड़कियों से शादी करें तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। मेरे मित्रों, चूंकि इनकी चाहत तो रहती है कि हम लव मैरिज करें, और ये लव मैरिज करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उस दिशा में इनको सफलता बहुत कम लोगों को ही मिल पाती है। मेरे मित्रों, ऐसे लोग यदि अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इनको चाहिए कि इनका जो उठना बैठना है, जो इनकी संगत है, कंपनी है, वो अच्छी रहे, अच्छे लोगों से रहे, और दूसरा इनको नशे से दूर रहना चाहिए। जिनका भी अंगूठा गदाकार होता है वो अगर कहीं नशा करने लग जाते हैं फिर इनको नशा छोड़ना, व्यसन से दूर रहना बहुत मुश्किल काम लगता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन और फिर इनके जीवन में जो उन्नति आनी चाहिए नहीं आ पाती है। लेकिन अगर ऐसे गदाकार अंगूठा वाले लोग यदि अपने जीवन में अच्छी उन्नति करना चाहते हैं
तो एक तो इनको अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए, अच्छे लोगों से उठना बैठना करना चाहिए, और दूसरा इनको नशे से दूर रहना चाहिए। तो ये आप समाज में अपनी साख भी अच्छी बनाए रख सकते हैं और आर्थिक उन्नति भी अच्छी कर सकते हैं। नमस्कार।